हेलो दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपका पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्वप्रेरण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वप्रेरण के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप रोजाना क्लास 12th एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की इसी प्रकार की वीडियो पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पहले स्वप्रेरण का चित्र बनाना है। तो दोस्तों, मैंने स्वप्रेरण के दोनों चित्र बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों चित्रों को ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आप इन चित्रों को ध्यान से नहीं समझेंगे आप इनकी परिभाषा नहीं लिख सकते। दोस्तों, जो हमारा पहला चित्र है ये हमारा मुख्य धारा को बढ़ाने का प्रयास करता है, और दोस्तों दूसरा जो चित्र है ये हमारा मुख्य धारा को घटाने का प्रयास करता है। दोस्तों, इस चित्र में जो घूमे हुए तार हैं, इस घूमे हुए तारों में मुख्य धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? मुख्य धारा प्रवाहित होती है। इस चित्र में भी हमारी घूमे हुए तारों में मुख्य धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों, ये जो प्लस और माइनस है ये हमारी बैटरी है, ये भी जो हमारी प्लस और माइनस है ये भी हमारी बैटरी है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी कुंजी के है। क्या है? कुंजी के है। दोस्तों, आप पहले चित्र को समझिए। पहले चित्र में क्या है कि हम मुख्य धारा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब मैंने के कुंजी को ऑन करा तो परिपथ में मुख्य धारा बहने लगी। ये मुख्य धारा बहती बहती ये घूमे हुए तारों में प्रवाहित होने लगी। किन तारों में प्रवाहित होने लगी? घूमे घूमे तारों में प्रवाहित होने लगी, जो ये मुड़े हुए तार हैं इनमें। दोस्तों, मुख्य धारा के बढ़ने के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में थी, ये प्रेरित धारा मुख्य धारा को घटाने का प्रयास कर रही थी। अब आते हैं दोस्तों दूसरे चित्र में। दूसरे चित्र में हम क्या करेंगे, हम मुख्य धारा को घटाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब मैं के कुंजी को ऑन करता हूँ तो हमारे परिपथ में मुख्य धारा प्रवाहित होने लगती है। ये मुख्य धारा प्रवाहित होते होते ये घूमे हुए तारों में प्रवाहित होने लगी। जब दोस्तों ये मुड़े हुए तारों में प्रवाहित होने लगी तो इसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो मुख्य धारा की दिशा में बहने लगी। और दोस्तों, ये जो प्रेरित धारा थी ये मुख्य धारा को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। दोस्तों, पहले चित्र में मुख्य धारा को प्रेरित धारा घटाने का प्रयास कर रही थी, और दूसरे चित्र में प्रेरित धारा मुख्य धारा को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। दोस्तों, इन्हीं घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको स्वप्रेरण के चित्र तो समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं स्वप्रेरण की परिभाषा पर, कि आप स्वप्रेरण की परिभाषा और इन दोनों चित्रों के बारे में कैसे लिखोगे। तो आपको लिखना है, किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इसी घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। आपको एग्जाम में भी स्वप्रेरण की परिभाषा इसी तरीके से लिखनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि स्वप्रेरण के आप इन दोनों चित्रों के बारे में कैसे लिखोगे। तो आपको लिखना है, लेंज के नियम के अनुसार स्वप्रेरण में उत्पन्न धारा सदैव उसका विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। जब परिपथ की मुख्य धारा को बढ़ाया जाता है तो प्रेरित धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात मुख्य धारा को घटाने का प्रयास करती है। और यदि परिपथ की मुख्य धारा को घटाते हैं तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात मुख्य धारा को बढ़ाने का प्रयास करती है। दोस्तों, लेंज के नियम के अनुसार स्वप्रेरण में उत्पन्न जो धारा होती है यह सदैव उसका विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है, अर्थात यह सदैव मुख्य धारा का विरोध करती है। तो दोस्तों, मैंने आपका स्वप्रेरण का सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, तथा कोई परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।